नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। डेली जॉब नोटिफिकेशन है दोस्तों। इंडिया पोस्ट यानी पोस्ट ऑफिस पर जिसको ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर या फिर ग्रामीण डाक सेवक जो भी आप बोले, ठीक है, उसका रिक्रूटमेंट होने वाला है। ठीक है, टोटल वैकेंसी दोस्तों 44,228 पोस्ट है। बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट होने वाला दोस्तों। जिनको भी पोस्ट ऑफिस में नौकरी करने का इरादा है, आप लोग जल्दी से फॉर्म की फिलअप कर लीजिएगा। सैलरी आप लोगों को मिलेगा। अगर ब्रांच पोस्ट मास्टर के तौर पे आपको नौकरी मिले तो आप लोगों को मिलेगा 12,000 से लेकर 29,380 रुपया। और अगर आप लोगों को असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर अथवा डाक सेवक के रूप में अगर आप जो ड्यूटी मिलता है तो आप लोगों को 10,000 से लेकर 24,470 रुपया मिलेगा। क्वालिफिकेशन दोस्तों 10वीं पास होने से आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट 18 से लेकर 40 ईयर। एज रिलैक्सेशन मिलेगा कास्ट वाइज। मैं आप लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन से एज लिमिट बताने वाला हूँ, वीडियो पे बने रहिएगा। जॉब कैटेगरी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है दोस्तों। स्टेट वाइज वैकेंसी डिटेल भी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, वीडियो पे बने रहिए दोस्तों। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, ऑल इंडियन स्टेट में वैकेंसी है। सिलेक्शन प्रोसेस मेरिट बेसिस सिलेक्शन होगा, कोई एग्ज़ाम वगैरह इंटरव्यू कुछ नहीं होगा। आप लोगों को क्लास 10th में जो मार्क्स मिला है उस मार्क्स के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। ठीक है, अप्लाई मोड ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट होगा 15 जुलाई 2024 से, यानी आज से शुरू हो गया है। अप्लाई का लास्ट डेट 5 अगस्त 2024। जिनको भी अप्लाई करना है इसके बीच कर लीजिएगा दोस्तों। एप्लीकेशन फ़ी जनरल, EWS एंड OBC कैंडिडेट के लिए 100 रुपया, बाकी जितना भी कैटेगरी है उन लोगों के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी की ज़रूरत नहीं है। ऑफिशियल वेबसाइट दोस्तों www.indiapostgdsonline.gov.in। डियर फ्रेंड्स, ये है आपका स्टेट वाइज वैकेंसी डिटेल। ठीक है, आप ऐसे कास्ट वाइज देख सकते हैं। इसके ये जो नोटिफिकेशन लिंक है, ये स्टेट वाइज इसका लिंक आप लोगों के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन पर है। ओपन करेंगे तो आप लोगों को ये फेस दिखाई देगा, आप लोग जूम करके बड़े करके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आंध्र प्रदेश जिसका जो लोकल लैंग्वेज होगा, देखिए स्टेट दिया है, उसके बाद लैंग्वेज दिया है, उसके बाद कास्ट वाइज यू आर OBC SC ST EWS PWD ए कैटेगरी, PWD B PWD C PWD D कैटेगरी का वैकेंसी। ठीक है, आप लोग ऐसे बाद में मैं टोटल स्टेट एंड टोटल वैकेंसी बताऊंगा, और बाकी आप लोग कास्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स देख लीजिएगा। चाहे तो यहाँ पर वीडियो को स्टॉप करके भी देख सकते हैं, या फिर इसका लिंक आप लोगों के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन पर अवेलेबल है दोस्तों। आंध्र प्रदेश लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज तेलुगु, टोटल 1,355 पोस्ट है। उसके बाद दोस्तों आसाम, जो कि भाषा लैंग्वेज आसामीस एंड अहोमिया, आप लोगों के लिए टोटल वैकेंसी 746। उसके बाद दोस्तों आसाम बेंगोली एंड बंगिया, यहाँ पर आप लोगों को टोटल वैकेंसी 123। उसके बाद आसाम इंग्लिश एंड हिंदी, टोटल 2 पोस्ट दोस्तों। बाद में बिहार के लिए भाषा, लोकल भाषा हिंदी, वैकेंसी 2,558। उसके बाद दोस्तों छत्तीसगढ़ हिंदी, टोटल 1,338 पोस्ट है। उसके बाद दिल्ली हिंदी भाषा 22 पोस्ट है। गुजरात भाषा गुजराती पोस्ट 2,034 पोस्ट है। हरियाणा हिंदी, हरियाणा के लिए 241 पोस्ट है। हिमाचल प्रदेश हिंदी, हिमाचल प्रदेश के लिए 708 पोस्ट है। उसके बाद जम्मू कश्मीर हिंदी एंड उर्दू भाषा, वैकेंसी 442। उसके बाद कर्नाटका लैंग्वेज कन्नड़ा, उसके पोस्ट 1,340 पोस्ट है कर्नाटका। उसके बाद केरला मलयालम, वैकेंसी 2,443 पोस्ट है। मध्य प्रदेश हिंदी, टोटल 4,011 पोस्ट है। महाराष्ट्र
कनकनी एंड मराठी लैंग्वेज के लिए 87 पोस्ट, महाराष्ट्र मराठी लैंग्वेज के लिए ओनली 3083 पोस्ट, महाराष्ट्र महाराष्ट्र दो ही पोस्ट है। उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बेंगोली एंड कॉकब्रोक, ये त्रिपुरा के लिए है, 184 पोस्ट है, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हिंदी गारू एंड सॉरी फ्रेंड्स इंग्लिश गारू एंड हिंदी 336 पोस्ट है, जो कि मेघालय का है। उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इंग्लिश एंड हिंदी, ये दोस्तों नागालैंड हो सकता है, टोटल 1158 पोस्ट है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इंग्लिश हिंदी खासी ये मेघालय का वैकेंसी है दोस्तों, टोटल यहाँ पर 347 पोस्ट है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इंग्लिश एंड मणिपुर यानी मणिपुर स्टेट के लिए 48 पोस्ट है। उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मिजू के लिए टोटल 182 पोस्ट है। उसके बाद दोस्तों उड़ीसा के लिए उड़िया लैंग्वेज 2477 पोस्ट है। उसके बाद पंजाब इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज के लिए 4 पोस्ट, पंजाब इंग्लिश हिंदी पंजाबी के लिए 136 पोस्ट। उसके बाद पंजाब इंग्लिश एंड पंजाबी 2 पोस्ट। उसके बाद पंजाब लैंग्वेज पंजाबी टोटल 265 पोस्ट। राजस्थान हिंदी वैकेंसी 2718 पोस्ट। उसके बाद तमिलनाडु तमिल एंड हिंदी तमिल के लिए 3789 और हिंदी के लिए और तमिल के लिए 3220 का जो मार्जिन वो दिख नहीं रहा था, ठीक है। तमिलनाडु उसके बाद उत्तर प्रदेश तमिलनाडु के लिए 3789 और उत्तर प्रदेश के लिए हिंदी उत्तर प्रदेश के लिए 4578 पोस्ट है दोस्तों। उसके बाद उत्तराखंड हिंदी 1238 पोस्ट है। उसके बाद वेस्ट बंगाल लैंग्वेज बेंगोली 2440 पोस्ट है। उसके बाद वेस्ट बंगाल बेंगोली नेपाली भाषा 21 पोस्ट है। वेस्ट बंगाल भाषा इंग्लिश लेपचा नेपाली ये सभी नेपाली लैंग्वेज होगा, आप जैसे देख सकते हैं 38 नंबर पॉइंट नेपाली वेस्ट बंगाल नेपाली इसके लिए 35 पोस्ट है। वेस्ट बंगाल बेंगोली एंड नेपाली जो कि खास करके नेपाली रीजियन जो है वेस्ट बंगाल का उस स्टेट के लिए 21 पोस्ट। उसके बाद वेस्ट बंगाल इंग्लिश हिंदी के लिए 46 पोस्ट। उसके बाद वेस्ट बंगाल नेपाली के लिए 1 पोस्ट और तेलंगाना तेलुगु के लिए 981 पोस्ट, टोटल कुल मिलाकर 44228 पोस्ट है। डियर फ्रेंड्स ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आप देख सकते हैं ब्रांच पोस्टमास्टर कम असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर कम डाक सेवक एक ही पोस्ट है। ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं यहाँ से, इस वेबसाइट के थ्रू आप लोग अप्लाई कर नोटिफिकेशन नंबर 17/03/2024 ZDS। यह सब डेट देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन जो सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट है 15 जुलाई से लेके 6 अगस्त तक डेट देख सकते हैं, ठीक है। सर्विस एंड कंडीशन थोड़ा पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए ब्रांच पोस्टमास्टर के लिए क्या क्या जॉब करना होगा यहाँ पर दिया हुआ है। पॉइंट वाइज देख सकते डे टू डे पोस्टल ऑपरेशन ब्रांच पोस्ट ऑफिस इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इज द
मैनर प्रेस्क्राइब किस प्रकार से करेंगे, मार्केटिंग प्रमोशन प्रोडक्ट सर्विस किस पर क्या क्या करना होगा, न्यू करना होगा, आप वीडियो को स्टॉप करके भी देख सकते हैं। ये नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन पर अवेलेबल है। उसके बाद रेसिडेंस एकोमोडेशन, उसके बाद दोस्तों असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का नौकरी अगर मिलेगा तो आप लोगों को ये नौकरी करना पड़ेगा। ये सब ड्यूटी जैसे कि स्टाम्प बिकना, स्टेशनरी, कॉन्वियंस एंड डिलीवरी ऑफ मेल ड्रॉप सेट, इस प्रकार का वो ड्यूटी जब आप करेंगे तो आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। उसके बाद है दोस्तों डाक सेवक। डाक सेवक के लिए आप लोगों को क्या क्या करना होगा आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं दोस्तों अभी यह से अलाउंस जो सैलरी मिलेगा मैं आप लोगों को ऑलरेडी देखा चुका हूँ। बीपीएम यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए एक रकम और एबीपी एंड डाक सेवक के लिए 10,000 400 लगे, मैंने एज लिमिट देखिए दोस्तों 18 से लेकर 40 ईयर, ठीक है। देख सकते हैं, ये देखिए आपका एज रिलैक्सेशन, SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, इकोनॉमिकली वीक को रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, PWD को 10 साल, PWD OBC 13 साल, PWD SC ST 15 साल, देख ठीक है सर। दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10 पास होने से आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो 10th स्टैंडर्ड में जो मैथमेटिक्स और इंग्लिश आपका होना चाहिए, क्लास टेंथ में जो आपने पढ़ाई किया उसमें मैथमेटिक्स और इंग्लिश ज़रूर रहना चाहिए, और मैथमेटिक्स और इंग्लिश में आपको पास भी होना पड़ेगा, नहीं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद दोस्तों स्पेशल प्रोविजन फॉर द एंगेजमेंट ऑफ GDS इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश हैज डिक्लेयर तो अरुणाचल प्रदेश 23 ट्राइबल लैंग्वेज जो कि अरुणाचल में बोला जाता है वो किस सेक्शन के तहत इनको सिलेक्ट किया गया है देखिए, वो अगर ये सब देख सकते हैं जो थर्ड लैंग्वेज देखिए सबसे ज़्यादा जो बोले जाते हैं भाषा ट्राइबल लैंग्वेज उसको थर्ड लैंग्वेज का नाम दिया गया है। ये लोग भी दोस्तों थर्ड लैंग्वेज ऐसे स्क्रीन थोड़ा नीचे आता है दोस्तों माफ़ कीजिएगा, ऐसे देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश के लिए 23 ट्राइबल लैंग्वेज डायलेक्ट जो कि अलग अलग टाइम पे बोले जाते हैं उसको थर्ड लैंग्वेज बोलते हैं। ये थर्ड लैंग्वेज के लिए भी यहाँ पर प्रावधान है, आप देख लीजिएगा। अदर कंडीशन दोस्तों नॉलेज इन कंप्यूटर, कंप्यूटर में नॉलेज होना चाहिए और नॉलेज ऑफ साइकिलिंग जो पैदल मारना बाइसाइकिल चलाने का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। एडिक्ट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड यानी जीने का जो सामान आपको चाहिए वो आपके पास होना चाहिए छोटे मोटे। रिजर्वेशन दोस्तों SC ST OBD गवर्नमेंट रूल के हिसाब से मिला आपने देखा है। दोस्तों कैसे अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई आप ये से देख सकते हैं, हाउ टू अप्लाई का पोर्शन। सिलेक्शन क्राइटेरिया दोस्तों, सिलेक्शन क्राइटेरिया आपको जो क्लास टेंथ में जो मार्क्स मिला है वो मार्क्स के आधार पर बेसिस करके आपका सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। ये से दोस्तों आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, ये देखिए ये जो पहले ये चार्ट देख लीजिए, देखिए ए ग्रेड यानी फर्स्ट क्लास A2, उसके बाद बी ग्रेड B1 B2 ये ग्रेड, C1 C2 एंड D ये ग्रेड है और पॉइंट कितने मिले देगी, A1 ग्रेड होने से आपको 10 मार्क फुल मिलेगा, ठीक है, याद रखिएगा। A1 A2 किस प्रकार से देखिए मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है अब दिया हुआ है। यहाँ पर बोला गया है दोस्तों अगर आप फॉर्म फिलअप करते वक्त आप लोग कैलकुलेट करके बोल देते हो कि मैं सी ग्रेड का था, ए ग्रेड का था, B1 ग्रेड का था, B2 ग्रेड का था, तो आपका एप्लीकेशन कैंसिल हो सकता है। जब आप देखिए बोला गया है द मार्क्स विल बी मार्क आउट इन टू अकाउंट द मार्क ऑब्टेंड, आपको कितना मार्क्स मिला है, आप लोग जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको कितना मार्क्स मिला है वो लिखना है, ठीक है। ग्रेड कितना मिला है, ग्रेड का पॉइंट कितना मिला है, यह सब आप लोग मत लिखिएगा नहीं तो आपका एप्लीकेशन कैंसिल हो सकता है, यहाँ पर बोला है। बाकी का डिटेल्स आप लोग यह सब पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आप ऐसे देख सकते हैं, बाकी का थोड़ा थोड़ा डिटेल्स आप लोग ऐसे देख लीजिएगा। वीडियो ऑलरेडी तो 14 मिनट का हो चुका है, इससे ज़्यादा बड़ा होने से आप लोग देखोगे भी नहीं, ठीक है।
ये नोटिफिकेशन लिंक आप लोगों के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन पर अवेलेबल, आप लोग जाइए ओपन करके पूरा नोटिफिकेशन देख सकते हैं। ठीक है, मेरी तरफ से आप लोगों के लिए शुभकामनाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। फिलहाल ये नोटिफिकेशन लिंक अप्लाई लिंक के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन पर जाइए, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों जो इससे दोस्तों देखिए कम्युनिटी वाइज कंसल्टेशन रिपोर्ट, कम्युनिटी वाइज जो पोस्ट परसेंटेज रखा गया है रिजर्वेशन अब यहाँ पर दिया हुआ है। ग्रामीण डाक शो वैकेंसी पोजिशन फॉर दोस्तों इंस्ट्रक्शन फॉर एप्लीकेंट्स, क्या क्या इंस्ट्रक्शन है आप लोग ये सब पढ़ के देख लीजिएगा। ठीक है, किस किस साइज का फोटो आप लोग को देना होगा आप ये सब देख सकते हैं दोस्तों। ये ऐसा भाषा देख सकते हैं, नीचे एकदम नीचे जाइए 36 नंबर पेज में आप देख सकते हैं स्टेट एंड भाषा किस प्रकार दिया हुआ है। ठीक है, लोकल लैंग्वेज जो का जो भाषा है वो दिया हुआ है, आप इसके भी देख सकते हैं दोस्तों। नीचे डिक्लेरेशन है, इसको एक्सेप्ट करते हैं। आपका नाम, उसके बाद आपका पिताजी या फिर आपका अगर आप पिताजी का नाम या फिर आपका वाइफ हस्बैंड का नाम यहाँ पर लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए प्लेस डेट सिग्नेचर, मेरी तरफ से आप लोगों के लिए शुभकामनाएं। वीडियो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए नोटिफिकेशन लिंक और अप्लाई लिंक के लिए। थैंक यू।